नमस्कार दोस्तों, देखिए आज इस वीडियो में हम ये इस टाइप की पैंट की कटिंग करेंगे। ये पैंट देखिए बिना प्लेट की है, दोनों साइड में क्रॉस पॉकेट है और इसकी फिटिंग मीडियम टाइप की है। तो इस पैंट की लेंथ है 39 इंच, कमर है 36 इंच, हिप है 40 इंच, थाई है 26 इंच, घुटने का राउंड है 21 इंच और बॉटम है 15 इंच। तो चलिए शुरू करते हैं इस मेजरमेंट वाली पैंट की कटिंग। यहाँ से देखिए 1.5 इंच का बेल्ट लगेगा, इसलिए 1 इंच ऊपर छोड़ के यहाँ से मेजरमेंट शुरू करेंगे। तो सबसे पहला मेजरमेंट आएगा आसन डाउन करने का, यानी कि यहाँ से क्रॉस लाइन लगाएंगे। तो हिप 40 इंच है तो 40 का चौथा हिस्सा देखिए यहाँ 10 इंच पर मार्क करेंगे। दूसरा मार्क देखिए लंबाई का, 39 इंच लंबाई और 2.5 इंच फोल्डिंग के लिए। यहाँ घुटने का मार्क लगाएंगे 29 आधा 14.5, ऊपर 2.5 इंच लेंगे। तो यहाँ ये घुटने का मार्क करेंगे तो इस तरह आएगा घुटना, ऊपर से देखिए 22 इंच पर। तो ये 10, 22 इंच और ये लंबाई 39 इंच, ये तीनों मार्क हम आगे लगाएंगे। ये देखिए ये 10, ये 22 और ये लंबाई 39, 2.5 इंच फोल्डिंग के लिए। यहाँ देखिए दोस्तों ये क्रॉच लाइन है, इसके नीचे 2 इंच यहाँ हम थाई का मेजरमेंट यहाँ आना चाहिए। और देखिए यहाँ हिप का 12वां हिस्सा, इस क्रॉच लाइन के ऊपर ये हिप लाइन लगाई मैंने, यहाँ हिप का मेजरमेंट रखेंगे। तो दोस्तों देखिए ये यहाँ थाई का मेजरमेंट 26 इंच है, थाई का मेजरमेंट 26 इंच है, तो 26 का आधा 13, उसका सेंटर 6.5 इंच। यहाँ देखिए फ्लाई के लिए 1.25 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे। अब ये सभी मार्क हम ऊपर यहाँ लगाएंगे, देखिए ये 1.25, 6.5 और ये 13। यह देखिए ये मार्क 1.25 इंच पीछे लगाना है, यहाँ इस तरह क्रॉस करना है ये लाइन। और डाउन देखिए 1.25 इंच यहाँ डाउन देना है। कमर 36 इंच है तो 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच और दोनों तरफ सिलाई मार्जिन 1 इंच मिला के यहाँ 10 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए इस हिप लाइन से इस मार्क तक इस तरह हल्का सा कर्व शेप देंगे। अब ये देखिए यह आधा इंच सिलाई दबाव, यहाँ से आएगी 1.25 इंच का ये पॉकेट का मार्क। ये देखिए इस तरह ये पॉकेट यहाँ से शुरू होगा और देखिए 6 इंच का पॉकेट लगाएंगे इस तरह। ये हो गया क्रॉस पॉकेट का मार्क, यहाँ देखिए 2 इंच पर एक मार्क करेंगे, यहाँ फ्लाई यहाँ तक लगेगा यहाँ से। अब नीचे की मार्किंग करते हैं, ये देखिए ये 6.5 इंच पर जो सेंटर है वो ही नीचे लगाएंगे। देखिए इस तरह 6.5 इंच, घुटने का राउंड 21 है तो 21 का आधा 10.5, तो इस तरह ये सेंटर लाइन से आगे 5.25 इंच और इस सेंटर से
यहाँ 1.5 1.5 इंच, ये देखिए ये 1.5 इंच, तो ये 10.5 का डबल 21 इंच। ठीक उसी तरह देखिए बॉटम का मार्क लगाएंगे, यहाँ देखिए ये सेंटर, इस तरह नीचे मार्क करेंगे, तो 15 इंच बॉटम के लिए देखिए 15 का आधा 7.5 इंच, तो 1.25 इंच इधर, 1.25 इंच इधर। दोस्तों ये हो गई फ्रंट की मार्किंग, देखिए ये मीडियम फिटिंग पैंट है, यहाँ ये देखिए हमें रेडी कमर 36 इंच है, तो 9 इंच रखना है यहाँ रेडी। यहाँ देखिए दोस्तों ये छः इंच का जो हमें फेसिंग मिलेगा यहाँ से, ये बैक पॉकेट के लिए काम आ जाएगा। देखिए ये क्रॉस पॉकेट के लिए फेसिंग लगेगा, ये फ्लाई के लिए यहाँ देखिए 1.25 इंच पर एक मार्क करेंगे, यहाँ 2 इंच पर, यहाँ हमें थाई रखनी है मेजरमेंट लेकर, और यहाँ नीचे
आधा इंच और एक सूत पर एक मार करेंगे। और याद देखिए इतना हमने फ्रंट डाउन किया था। डेढ़ इंच पीछे मार के यहाँ करेंगे। देखिए ये एक इंच प्लेट और इस साइड का आधा इंच दबाव, ये दोनों मिलाकर ये डेढ़ इंच हमें यहाँ मार्क करना है। देखिए यहाँ और देखिए ये इस थाई लाइन से ये मार्क हमें इस तरह मिला लेना है। ये देखिए ये आधा इंच साइड दबाव। कमर 36 इंच है तो 36 इंच का चौथा हिस्सा 9 इंच, एक इंच डार्ट के लिए। ये कमर की सीधी लाइन है, वहाँ से 1.5 इंच बैक ऊपर उठाएंगे। अब देखिए यहाँ थाई का मेजरमेंट निकालेंगे, 12.5 इंच है तो थाई अपनी मेजरमेंट में 26 इंच है, प्लस 2 इंच टोटल मार्जिन, यहाँ का आधा इंच, यहाँ का आधा इंच और बैक पार्ट में आधा आधा इंच, यानी कि टोटल 2 इंच, तो 26 और 2 28 इंच हमें रखना है यहाँ मेजरमेंट। तो देखिए ये 12.5 आ गया, ये देखिए ये 12.5 तो 28, देखिए यहाँ ये 28 इंच टोटल राउंड हो जाएगा। 28 में से 2 इंच दबाव में जाएगा, रेडी यहाँ राउंड 26 इंच का मिलेगा। तो देखिए ये मार्क और ये इस तरह मिलाएंगे। यहाँ देखिए कपड़ा चौड़ाई में कम होने के कारण हम यहाँ जॉइंट लगाएंगे। यहाँ हिप का मेजरमेंट निकालेंगे। देखिए ये यहाँ से आधा इंच जाएगा, यहाँ से आधा इंच जाएगा, तो ये हमें फ्रंट में 10 इंच मिलेगा। अब देखिए हमें लूजिंग मिला के यहाँ, ये देखिए यहाँ मार्क आएगा बैक का। देखिए ये 10 इंच और ये 21 का डबल 42 हो जाएगा। हिप 40 इंच है तो प्लस 2 इंच लूजिंग टोटल राउंड में, क्योंकि मीडियम फिटिंग पैंट है इसलिए, तो 42 इंच हमें रेडी राउंड मिलना चाहिए हिप में। तो देखिए ये यहाँ आधा इंच सिलाई दबाव जाएगा, ये 21 का डबल 42 इंच हमें हिप का राउंड मिलेगा। तो देखिए ये मार्क और ये मार्क मिला के इस तरह हमें यहाँ तक ले जाना है ये मार्क। अब देखिए ये दबाव हम एक्स्ट्रा छोड़ते हैं, यहाँ 2 इंच या 2.25 इंच मार्क होता है और यहाँ 2 इंच यहाँ मार्क होता है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा होता है यहाँ। ये स्टिचिंग लाइन के आगे 1.5 इंच पर ये हम मार्क करेंगे, एक यहाँ से बैक पॉकेट शुरू हो जाएगा, 5.25 इंच बैक पॉकेट का ओपनिंग आएगा, उसका आधा 2.5 इंच और एक सूत। यहाँ देखिए नीचे 3.5 इंच पर मार्क लगाएंगे यहाँ। ये 1 इंच का डार्क, यहाँ देखिए 2 सूत या 2.5 सूत ऊपर क्यों उठाते हैं ये सेंटर, क्योंकि जब इस तरह डार्ट लगेगा तो यहाँ खड्डा गिरता है, तो वो खड्डा ना गिरे इसलिए ये हम 2.5 सूत ऊपर उठा के ये मार्क करते हैं। जब स्टिचिंग हो जाएगा डार्ट तो ये मार्क बिल्कुल सीधा आएगा।
तो दोस्तों ये डाट लगाने के बाद और ये साइड का आधा इंच दबाने के बाद देखिए 9 इंच हमें रेडी मिलेगा कमर का बैक। दोस्तों ये हो गई पूरी पैंट की मार्किंग। यहाँ देखिए दोस्तों इस तरह ये हमें जॉइंट देना होगा। ये जो दूसरी बाजू है वहाँ मार्क कॉपी करेंगे डार्ट के लिए। तो दोस्तों ये हो गई पूरी पैंट की कटिंग। ये मीडियम फिटिंग वाली बिना प्लेट की पैंट थी। साइड में दोनों क्रॉस पॉकेट, एक बैक पॉकेट। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।